आपने कई बार लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि गैस की वजह से उन्हें सिरदर्द हो गया, गैस सिर पे चढ़ गई। अब क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या उपाय करें कि गैस कम से कम सिर में ना चढ़े? देखो, गैस पहली बात तो देखो, जिनको बनती है वो गोमुखासन करें। गोमुखासन करने से ऊपर से नीचे से गैस निकल जाती है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन कर ले, जो अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, ये गैस के लिए ही हैं। और आंवला एलोवेरा सुबह उठते ही पी ले। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गैस नहीं बनेगी, आंवला एलोवेरा, और फिर भी गैस बन जाए तो पतंजलि मिंट एक्टिव प्लस, ये छोटी सी गोली है, ये एक या दो ये कैप्सूल खा लें और इससे एकदम से राहत मिल जाती है पेट की गैस में। और नाभि पर हींग लगा लें और मिट्टी पट्टी और जो ठंडा इस थोड़ा अभी सर्दी आ गई ना, तो गर्म पानी में ऐसे तौलिया भिगोए और ऊपर ऐसे लगा दिया और इसके ऊपर से कोई गर्म कपड़ा बांध दिया, इससे गैस दूर हो जाती है। गैस को परमानेंट ठीक करने के उपाय, जिनको भी गैस एसिडिटी बनती है ना, कपाल भाती करें, खाली पेट लिवोग्रीत, और यदि गोधन अर्क के साथ ले लिया तो फिर तो परमानेंट पेट की सारी समस्याओं का, गैस का समाधान हो जाता है। नहीं तो गैस और चूर्ण खाने के बाद ले लें, गैस ठीक हो जाती है। गैस उन्हीं को बनती है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता, तो सप्ताह में एक बार त्रिफला जरूर ले लें। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा तो नियम बना करके ले लें कि नियम पूर्वक आंवला एलोवेरा तो पीना ही है, और खाना चबा चबा करके खाना खाना है, और छाछ में थोड़ा सा लवण भास्कर या हिंगवास्टक दही में छाछ में, छोटे छोटे उपाय हैं, इतना करने से ही पेट की गैस खत्म हो जाती है। ज्योत्सना जी, अब स्वामी जी देखिए, इतना होम प्रोडक्शन हमारे यहाँ गैस का है, फिर भी हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़ती, मंगानी पड़ती विदेशों से, ये भी बड़ी विडंबना है। शायद आने वाले समय में महंगी हो रखी है। शायद आने वाले समय में इसका कोई सदुपयोग हो सके। अच्छा स्वामी जी, कई लोग सिरदर्द के साथ साथ झंझनाहट, हाथ पैर का सुन हो जाना और याददाश्त कमजोर हो जाने की भी शिकायत करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? तो गरम रोटी पर मक्खन डाल के या गाय का घी डाल करके खाएं, गाय का घी मस्तिष्क के लिए बेस्ट है। और अलसी, ये जो फ्लैक्स सीड है ना, अलसी के लड्डू, अलसी का पाउडर करके इसको दही में मिला के और सेक करके थोड़ा ऐसे ही मुखवास के रूप में खा सकते हैं। ये अलसी जो है ये ब्रेन से लेकर के पूरे नसनाड़ियों में जो झंझनाहट होती है उसके लिए बेस्ट होती है। नहीं तो सीबकथोन या न्यूट्रिला ओमेगा ले लिया करें, मछली और सुअर की जगह हम लोग सीबकथोन और फ्लैक्स सीड से ही तैयार करते हैं। ये तो मैंने ऐसे बता दिया। बाकी जिनकी मेमोरी कम होती है उसके लिए मेमोरी ग्रिट, मेधावटी, मेधा क्वाथ, ये तो उनके लिए रामबाण है ही सो है। गाय का घी न लेने से ये जो लोगों को पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर, माइग्रेन पेन, सिरदर्द ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मस्तिष्क को घी चाहिए। और एक बात और बताता हूँ, कल मुझे एक अंतःप्रेरणा हुई। ये सारे ही देवी देवता उनको जो आहुतियाँ देते हैं घी से ही क्यों देते हैं? घी जो है ये देवताओं का प्रिय नहीं, देवताओं का वास हमारा मस्तिष्क स्थानीय है, ऊर्ध्व स्थानीय। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो गए वही देवता होते, और ऊर्ध्व गति होती है घी से। तो इसलिए घी जो है वो सिर में लगाना, घी नाक में डालना, घी खाना, घी को पराठे पर या रोटी पर खाना, सब्जी या दाल में डाल करके खाना, और ये गाय का घी खाएं। भैंस का खाएंगे तो महिषासुर हो जाएंगे सब। ये कोई गाय के घी का प्रचार नहीं हो रहा है, ये आप उपचार की दृष्टि से बता रहा हूँ। और इससे भैंस आंटी को नाराज होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उपचार के लिए बताया जा रहा है।